Hello students, now we are going to study gene therapy. If a person is born with a hereditary disease, तो उस hereditary disease का correction possible है अगर वो childhood stage या early embryonic condition में उसका diagnosis हो जाती है तो उसका correction possible है gene therapy के through. क्या करते हैं हम gene therapy में? जो प्रॉब्लम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फंक्शनल जीन हम इंसर्ट कर दें पेशेंट की सेल्स या टिश्यूज में. तो जिस जीन के लॉस की वजह से प्रॉब्लम थी बॉडी में, अगर हमने वो जीन इंसर्ट कर दिया बॉडी में तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होने लगेगी. ठीक है, डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन. अब ये पहली बार 1990 में एक 4-year-old गर्ल में किया गया था. 1990 में और क्या शुरू हुआ था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. तो एक 4-year-old गर्ल है जिसे आप देख सकते हो, ये जब से पैदा हुई है हॉस्पिटल में ही रही है, कभी घर नहीं गई है, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि अगर ये किसी के भी कांटेक्ट में आएगी या छोटा सा भी माइनर इन्फेक्शन भी इसकी जान ले सकता है. इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक क्यों है? बिकॉज ऑफ ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के एक एंजाइम की डेफिशिएंसी है इसमें. एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बॉडी में इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि इसके बॉडी में ADA के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन का डिलीशन है, वो जीन नहीं है. अब हम क्या कर सकते हैं? इसको ADA दे सकते हैं किसी तरह से. तो इसके ट्रीटमेंट में दो पॉसिबिलिटीज हैं. पहली चीज है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, किसी हेल्दी पर्सन से बोन मैरो लेकर इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं, आप जानते हो. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, एक ऑप्शन. दूसरा, हम फंक्शनल एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं किसी हेल्दी पर्सन में जिसमें एंजाइम बन रहा है. क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं बन रहा है इस पेशेंट में, तो हम फंक्शनल ADA का एंजाइम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. पर ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो हैं हमारे पास, ये कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है, ये कम्प्लीट क्योर नहीं है इस बीमारी का. इसके लिए हम कर सकते हैं जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझो. हमने पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट सेल्स को बाहर निकाल लिया और आउटसाइड द बॉडी उसको कल्चर कर लिया. हमने कल्चर मीडियम में लिम्फोसाइट्स को कल्चर कर लिया, बना ली ज़्यादा सी. तो उन लिम्फोसाइट सेल्स में ADA नहीं है, क्योंकि पेशेंट में ADA जीन का डिलीशन है. अब हम फंक्शनल ADA किसी हेल्दी पर्सन से के बोन मैरो से फंक्शनल ADA लेंगे, उसका cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA निकाल कर हम पेशेंट की लिम्फोसाइट में डालेंगे. क्या वेक्टर यूज़ करेंगे? पहले आप देखो, जब एनिमल सेल में हमें इंट्रोड्यूस करना है कोई फॉरेन जीन, तो हम क्या वेक्टर्स ले सकते हैं? या तो हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या हम कोई वेक्टर ले सकते हैं जो कि डिसआर्म्ड पैथोजन, हमने बात की थी. तो एनिमल सेल के केस में डिसआर्म्ड पैथोजन क्या होता है? रेट्रोवायरस. तो यहाँ पर हमने रेट्रोवायरस के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कर दिया पेशेंट की लिम्फोसाइट्स में, जो कि हमने बाहर कल्चर करी है. तो इस तरीके से आप नोट कर लेना, आपको एकदम इजीली याद रहेगा हमेशा के लिए. ये होस्ट सेल क्या है? पेशेंट की लिम्फोसाइट्स जो हमने बाहर कल्चर की है. जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन, हमने उसका cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA ले लिया है. रेट्रोवायरस वेक्टर को यूज करते हुए हमने इसको पेशेंट की लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर दिया. अब हमने लिम्फोसाइट इस तरीके से, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो ढेर सारी बना कर रखी हैं, उसका रेगुलर इन्फ्यूजन बॉडी में करना पड़ेगा, एज दीज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल. तो इनका एक लाइफ स्पैन है, थोड़े टाइम बाद लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो जाएंगी, तो हमें रेगुलरली बॉडी में ये वाली लिम्फोसाइट्स डालते रहना पड़ेगा. यानी कि ये भी परमानेंट क्योर नहीं है. ये परमानेंट क्योर कब हो सकता है? जब हम
किसी हेल्दी पर्सन के बोन मैरो से इस ADA जीन को आइसोलेट करें, निकालें और उसको पेशेंट में हम अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इंट्रोड्यूस करें, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर।